हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और यदि आपको पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए सभी विषयों का, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए एक दिए गए नंबर पर। और नंबर क्या है, तो नंबर है 73 72 86 41 35। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कीजिए, इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और मोस्ट VVI क्वेश्चन भी उसमें है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक, तो सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको इस पर मिल जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर लेना है। आप अपना नाम और विलेज बता दीजिएगा, ठीक ना, नाम विलेज और डिस्ट्रिक्ट, तीन वो चीज़ बता दीजिएगा। और यहाँ पर आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल मत कीजिएगा। आपको एक विषय के लिए 101 रुपया लिया जाएगा, लेकिन हाँ, कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और इतना स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा कि उससे एक भी फालतू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि वैसे क्वेश्चन ही लिया गया है जो आपके एग्जाम इस बार आने वाले हैं। और 10 साल की एक्सपीरियंस के आधार पर गेस किया गया है, तो सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास आपका। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जाती है। देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बहुत प्रकार से बढ़ाई जाती है, इसीलिए कोई एक विधि बढ़ाने की नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन विधि द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो कुंडली के फेरों की संख्या को घटा करके, नहीं, कुंडली के फेरों की संख्या को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है, घटा करके नहीं, तो यही तो आपका आंसर नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके, बिल्कुल इस विधि द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा करके, नहीं, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा कर नहीं, कुंडली के क्षेत्रफल को घटा करके। फिर प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ा करके, नहीं, इसके द्वारा भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके हम लोग चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। देखिए, एमीटर जो है विद्युत धारा का पूर्ण मान बताता है, और पूर्ण मान बताने के लिए, जैसे मान लीजिए कि परिपथ है, तो इसमें हम लोग श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े देंगे तो जो भी धारा जाएगा इसी से होकर के जाएगा। तो एमीटर में धारा का पूर्ण मान ज्ञात करने के लिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने से क्या घाटा होगा, जैसे मान लीजिए कि इससे करेंट जा रहा है, आप ऐसे जोड़ दिए एमीटर को, तो मीटर को इस प्रकार से यदि आप जोड़ दीजिएगा, तो इससे नुकसान क्या होगा कि कुछ करंट इधर से चल जाएगा और कुछ करंट एकरा से होकर जाएगा। तो जो करंट एकरा से होकर के जाएगा उसका तो माप बताएगा इसमें कि इतना एम्पियर की धारा जा रहा है, लेकिन जो इधर से होकर के गया है उसका तो माप बताइए नहीं करेगा। इसलिए मीटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह कुछ धारा के मान को नहीं बता पाएगा। जो इधर से धारा जाएगा उसका तो माप बताएगा ही नहीं, तो उसी को बताएगा जिसकी जाके जाएगा, इससे होकर जाएगा। तो इसीलिए एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम आपका किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। समांतर क्रम में भूल से मत जोड़िएगा, क्योंकि कुछ धारा चोरी हो जाएगा और आपके बिजली चोरी का आरोप लग जाएगा। ठीक ना, बिजली चोरी का आरोप लग जाएगा कि बिजली चोरी किए हैं आप। ठीक है, इसीलिए समांतर क्रम मत जोड़िएगा। चलिए, जब एक जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को, चलिए मान लेते हैं कि R1 का मान जी है, ठीक, और इसके एस एक संट जोड़ दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि R2 बराबर क्या है, एस है। ठीक, जोड़ दिया जाता है, तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी, देखिए आप लोग को मालूम है कि जब भी दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक ना, तो कह रहा है कि वो गैल्वेनोमीटर है जेकर प्रतिरोध जी है, और इसके समांतर क्रम में वो एस प्रतिरोध का संट जोड़ दिया जाता है, तो इसके प्रतिरोध के मान में कुछ कमी हो जाता है, और जो कमी होता है वही निकालने कह रहा है। तो चलिए देखिए, इसको समांतर क्रम में, जी के समांतर क्रम में एस को जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के लिए फार्मूला होता है RP बराबर होता है R1 इंटू R2 और बटा में R1 प्लस R2 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जी इंटू एस बटा में जी प्लस एस। तो ये हो गया समांतर क्रम में जुड़े कुल प्रतिरोध का मान। लेकिन पहले तो ये अकेले था, तो अकेले, जैसे मान लीजिए कि अकेले था 5 ओम, ठीक ना, अकेले में मान लीजिए कि जी का मान है 5 ओम, और इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दिए, तो मान लीजिए कि घट के प्रतिरोध का मान हो गया 3 ओम,
आखिर प्रतिरोध का मान 3 ओम आया समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो प्रतिरोध के मान में कितना हानि हुआ, तो हमको निकालना पड़ेगा 5 - 3 = 2, यानी कि अगर प्रतिरोध पहले से 2 ओम घट गया तो हमको निकालने के लिए घटाना पड़ेगा कि कितना होगा, तो प्रतिरोध में कमी निकालेंगे यहाँ पर। देखिए प्रतिरोध में कमी कैसे निकालेंगे भाई, तो शुरू वाला प्रतिरोध में से घटा देंगे, तो लिखेंगे R1 - RP लिखेंगे। अब देखिए R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू आपका G है, तो हम यहाँ लिखेंगे G माइनस RP का वैल्यू, देखिए यहाँ पर ही आपका है G × S और बटा में G + S, तो इसका LCM ले लीजिए, LCM लेने पर क्या हो जाएगा G + S और इंटू में कितना हो जाएगा G और माइनस में आपका हो जाएगा GS और डिवाइडेड बाय आपका G + S, तो इसमें देखिए इंटू के जी जी से जी में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा आपका G² हो जाएगा और जी से एस में इंटू होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा GS आपका हो जाएगा और यहाँ आपको हो जाएगा -GS और बटा में आपका हो जाएगा G + S हो जाएगा, तो देखिए GS से GS कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपका देखिए बच रहा है जो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक ना, ऊपर में बच रहा है आपका G² और बटा में बच रहा है आपका G + S बच रहा है, कहने का मतलब कि प्रतिरोध के मान में इतना कमी हो जाएगा, ठीक है। जब G के समांतर क्रम में S को जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध का मान पहले घट जाएगा, पहले से घटेगा लेकिन कितना घटेगा, तो G² बटा में G + S प्रतिरोध का मान घट जाएगा। और देखिए ऐसा आंसर आपका B में दिया हो, यहाँ गलती से वो माइनस का चिन्ह दिया गया है लेकिन आंसर यही होगा G² / G + S, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया B। क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और क्यों समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध ऊँच होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि विद्युत परिपथ है जिससे धारा जा रहा है, और यदि आप यहाँ वोल्टमीटर को जोड़ दीजिएगा तो धारा के मान को रोक लेगा, क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण कभी भी हम लोग इस प्रकार इसको श्रेणी क्रम में नहीं यूज कर सकते हैं, जब भी यूज करते हैं तो धारा इसे जा रहा है तो समांतर क्रम में हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि समांतर क्रम में यूज करने से फ़ायदा है कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और इसका मेन उद्देश्य होता है विभवांतर मापना, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना, तक अधिकांश धारा इधर चला जाता है और इससे कुछ धारा जाता है, नहीं के बराबर जाता है, बहुत कम धारा जाता है, और दो सिरों के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, जब भी जोड़ा जाएगा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, क्यों भाई, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो धारा को रोक लेगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया समांतर क्रम में। क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो, इसके लिए संट का मान होना चाहिए, तो संट का मान होता है G/99, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका G/99। और एमीटर का प्रतिरोध सामान्यता होता है, देखिए इसको मतलब एमीटर और वोल्टमीटर से जो भी क्वेश्चन है आपको याद कर लेना है, क्यों याद कर लेना है भाई, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है वो सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इसीलिए आपको सब याद कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन में है कि एमीटर का प्रतिरोध सामान्यता होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध सामान्यतः निम्न होता है, क्यों निम्न होता है, क्योंकि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है धारा के पूर्ण मान ज्ञात करने के लिए, और यदि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला जोड़ दीजिएगा तो धारा को तो रोक लेगा, धारा को जाना ही नहीं देगा, इसीलिए मीटर का प्रतिरोध कम रखा जाता है, ठीक ना। प्रतिरोध क्या होता है मीटर का, निम्न होता है, क्योंकि इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अगला आपका कि 1 वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, देखिए एमीटर को किस में बदलना है, सॉरी 1 वोल्टमीटर को एमीटर में बदलना है, तब देखिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध ऊँच होता है और एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, तो कहने का मतलब है कि वोल्टमीटर के प्रतिरोध को यदि हम घटा दें तो वो एमीटर बन जाएगा, तो वोल्टमीटर के प्रतिरोध को घटाने के लिए
उसको समांतर क्रम में वो निम्न मान के प्रतिरोध जोड़ देंगे, कि क्योंकि जब हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तब प्रतिरोध का मान पहले से कम हो जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान पहले से बढ़ जाता है। और हमको बदलना है वोल्टमीटर को एमीटर में, तो इसका मतलब है कि वोल्टमीटर के प्रतिरोध को कम करना है। अब वोल्टमीटर के प्रतिरोध को कम कैसे करेंगे, तो उसके समांतर क्रम में वो निम्न प्रतिरोध जोड़ देंगे। प्रतिरोध जोड़ देंगे उसका एमीटर किसमें बदल जाए, सॉरी वोल्टमीटर किसमें बदल जाएगा, आपको एमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता कैसे, तो उसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ के। तो देखते हैं इसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके, नहीं इसके उच्च प्रतिरोध नहीं होता है, और इसके श्रेणी क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में तो कभी जोड़ ही नहीं सकते हैं, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ के। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिए, ठीक ना, एमीटर का परिवर्तन वोल्टमीटर में या वोल्टमीटर का परिवर्तन एमीटर में, जब भी क्वेश्चन आए तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लीजिए, ठीक ना। कैसे, तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एमीटर को यदि वोल्टमीटर में बदलना हो, एमीटर को वोल्टमीटर में बदलना हो तो उसका प्रतिरोध बढ़ा दीजिए, कैसे, तो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और यदि वोल्टमीटर को एमीटर में बदलना है तो उसका प्रतिरोध घटा दीजिए, तो वो कैसे होगा, तो श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लीजिएगा, कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, देखिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अधिक होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस काम के लिए वोल्टमीटर में शंट लगाया जाता है। देखिए एमीटर में पूछ, सॉरी वोल्ट, निम्नलिखित में किस काम के लिए वोल्टमीटर में शंट लगाया जाता है, तो वोल्टमीटर का प्रयोग एमीटर की तरह करने के लिए उसमें शंट लगाया जाता है, ठीक ना। वोल्टमीटर का प्रयोग उपयोग एमीटर की तरह करने के लिए उसमें शंट लगाया जाता है, किसमें है, इसका व्यवहार एमीटर की तरह करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, एमीटर की तरह व्यवहार करने के लिए हम लोग उसमें प्रतिरोध लगा देते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, देखिए ये तो आप लोग जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध सामान्यतः कम होता है, ठीक, एमीटर का प्रतिरोध सामान्यतः कम होता है, लेकिन एक आदर्श एमीटर यानी कि बहुत अच्छा एमीटर, तो बहुत अच्छा एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध का मान जीरो होता है, उसका प्रतिरोध का मान जीरो होता है, ठीक है। और देखिए हम लोग जानते हैं कि चालकता बराबर फार्मूला होता है 1/ प्रतिरोध, तो 1/0 कीजिएगा तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन जन्म लेता है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है, और एक आदर्श एमीटर का चालकता अनंत होता है। याद रखिएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है लेकिन इसका चालकता अनंत होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए शून्य ही होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट लगाया जाता है, देखिए एमीटर में शंट लगाया जाता है आपको इसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए। एमीटर में जब शंट का प्रयोग किया जाता है तो इसका करंट मापने का जो सीमा होता है रेंज ये बढ़ जाता है, ठीक ना। तो एमीटर में प्रयोग किया जाता है शंट का इसका रेंज बढ़ाने के लिए, माप सीमा बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखिए आदर्श वोल्टमीटर के बारे में जानने से पहले ये जानिए कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध ऊंच होता है, ठीक, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ऊंच होता है। तो जो एक आदर्श वोल्टमीटर होगा उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि अनंत होगा, ठीक। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है। हम लोग जानते हैं कि चालकता बराबर होता है 1/ प्रतिरोध, ठीक, तो 1/ अनंत क्या हो जाएगा, तो इसका जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी दो गो क्वेश्चन हुआ कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और उसका चालकता शून्य होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा अनंत, और बाय द वे चालकता पूछता था कितना मारते हैं हम लोग, शून्य मानते। चलिए फिर है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं।
क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि आपको ही पता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध का मान ज़्यादा करने के लिए दूसरे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक ना। समांतर क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान अब कम हो जाएगा, हमको यहाँ प्रतिरोध बढ़ाना है, तो श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध जोड़ देंगे, अपने आप उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और हो जाएगा वो आपका वोल्ट मीटर में परिवर्तित। एक आदर्श एमीटर का चालकता होता है, देखिए एक आदर्श एमीटर का चालकता पूछ रहा है, तो सबसे जानिए कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है आपका जीरो, ठीक। हम लोग जानते हैं कि चालकता बराबर फार्मूला होता है वन बटा प्रतिरोध, तो वन बटा जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आदर्श एमीटर का चालकता कितना आपका है, अनंत है, ठीक ना। तो आदर्श एमीटर का चालकता कितना है, देखिए अनंत आया है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, अनंत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा। देखिए जब भी आप किसी एमीटर में संट का प्रयोग कीजिएगा तो एमीटर के माप सीमा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो जब एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है, तो इसका आंसर आपका ये हो गया। फिर क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का चालकता होता है। अब देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का चालकता जानने से पहले उसका प्रतिरोध जान लीजिए। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, वो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। हम लोग जानते हैं कि चालकता बराबर क्या होता है, वन बटा प्रतिरोध, यानी कि वन बटा अनंत क्या होगा, जीरो। यानी कि इससे धारा ज़रा सा भी प्रवाहित नहीं होगा, थोड़ा सा भी धारा को नहीं जान देगा, क्योंकि इसमें चालकता वाला गुण है या नहीं है, चालकता वाला गुण इसमें कितना है, जीरो है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का आपका चालकता कितना होगा, शून्य होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। देखिए चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ा देते हैं, तो इसका सुग्राहिता बढ़ जाता है, तो इसका आंसर बी हो गया। गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग किया जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर में जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग करते हैं किसके लिए, तो उच्च धारा से सुरक्षा के लिए। गैल्वेनोमीटर में संट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कभी कभी गैल्वेनोमीटर से उच्च धारा प्रवाहित होने का डर रहता है, तो कुंडली जलने और टूटने का डर रहता है, तो कुंडली को जलने और टूटने से बचाने के लिए हम लोग उसमें संट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो उच्च धारा के मान से बचाने के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप ठिट्टा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध होता है। देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप ठिट्टा और प्रवाहित धारा में संबंध होता है आई समानुपाती ठिट्टा। आई समानुपाती क्या होता है, ठिट्टा होता है, और देखिए आई समानुपाती ठिट्टा को किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। देखिए इतना ही क्वेश्चन था, और इसी प्रकार से हम डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, और आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो इसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे हर साल मेरा कोचिंग का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है, उसी प्रकार से आप लोग का भी इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।